कोरोना वायरस को हराएं, शंका होने पर मेडिकल जांच जरूर कराएं। आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं समृत एक विद्यार्थी के तौर पे नहीं बल्कि एक जागरूक भारतवासी के तौर पर आप सबको COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे अब तक हमारे विश्व में कुल 16,50,575 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 160,456 मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, ये बहुत दुख भरी बात है कि अमेरिका और इटली में अब तक कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका और इटली में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का पालन करने में एक छोटी सी चूक कर दी। उन्होंने लॉकडाउन को देरी से अपनाया। और एक तरफ है हमारा भारत जिसने सही समय पर लॉकडाउन को आरंभ कर दिया। मोदी जी का पहला लॉकडाउन जिसको लॉकडाउन 1.0 के नाम से जाना जाता है, जो कि कुल 21 दिन का था, जो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन हमारे भारत की दशा देखते हुए मोदी जी ने लॉकडाउन 2.0 आरंभ कर दिया है, जो कि 18 दिन का शुरू हो चुका है। दोस्तों, वो 5 मिनट के लिए कोरोना वॉरियर्स को सम्मान, वो 9:09 की दिवाली, मानो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन हमें विश्वास है स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं, हमारे मेडिकल वैज्ञानिक डॉक्टर्स कोरोना वायरस का तोड़ निकालने में लगे हैं, लेकिन हमें उनका पूरा साथ देना है। अगर आपको ज़रा सी भी शंका हो कि आप में लक्षण पाए जा रहे हैं, तो आप तुरंत जाके मेडिकल टेस्ट या फिर मेडिकल जांच ज़रूर कराएं। दोस्तों, कोरोना वायरस से घर पे बचाव संभव है। अपने हाथों को अच्छे से 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश या साबुन से धोएं। अपने पास एक छोटा सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए। अतः मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज के लिए कोरोना वायरस की लड़ाई है बहुत ज़रूरी, तो सबसे बना लो दूरी। धन्यवाद। थैंक